दोस्तों आज एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की 10 सबसे महंगी चीजों के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं इनके बारे में तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो मैं हूँ आपका दोस्त दक्ष और आप देख रहे हैं अमेजिंग टॉप 5। 1963 फरारी 250 GTO रेसर ऑफिशियली दुनिया की सबसे महंगी कार है और इस कार को $52 मिलियन यानी 388 करोड़ भारतीय रुपयों में बेचा गया था। यह कार पॉल पेपेलाइडो के पास थी जिसे एक अनजान शख्स ने पॉल से प्राइवेट बातचीत के बाद खरीदा था और इस कार को दुनिया की सबसे महंगी कार से भी 49% अधिक कीमत पर बेचा गया था। 1950s और 60s की क्लासिक फरारी कार की कीमतें साल दर साल बढ़ती जा रही है जिसे आप कार दुनिया की मोनालिजा भी कह सकते हो। दुनिया के सबसे महंगे आईफोन की कीमत $16.5 मिलियन यानी 123 करोड़ रुपए है। हाथों से बनाए गए इस फोन को आईफोन ब्लैक डायमंड एडिशन कहा जाता है। इस फोन का होम बटन एक 26 कैरेट ब्लैक डीप कट डायमंड है जबकि इसे चारों तरफ से हजारों छोटे छोटे डायमंड से सजाया गया है। साथ ही इस फोन पर एप्पल लोगो को भी 56 छोटे छोटे डायमंड से बनाया गया है। इस फोन के बैक को बनाने के लिए गोल्ड और स्क्रीन के लिए सैफायर का इस्तेमाल किया गया है जो अभी एक चीनी बिजनेसमैन के पास है। 140 ग्राम वजनी इस बर्गर की कीमत $3,32,000 यानी 2.5 करोड़ थी और एक डच वैज्ञानिक ने स्टीम सेल की सहायता से इस कल्टीवेटेड मीट को बनाया था। साथ ही ये इतिहास में पहली बार हुआ था जब लैब में तैयार किए गए किसी मीट को इंसान ने खाया था। दुनिया के सबसे महंगे जूतों को साल 2014 में अमेरिकी एक्टर निक कैनन ने पहना था। इन जूतों को बेवरली हिल्स में रहने वाले जैसन नाम के एक जेमोलॉजिस्ट ने बनाया था। जेसन ने टॉम फोर्ड इवनिंग पंप शूज को निक के लिए डायमंड से सजाया था जिसे उन्होंने अमेरिका गॉट टैलेंट के ग्रैंड फिनाले एपिसोड में पहना था। इन जूतों को 340 कैरेट के 14,000 डायमंड से सजाया गया था जिन पर बाद में सफेद सोने की परत भी चढ़ाई गई थी और इन जूतों की कीमत $2 मिलियन यानी 14 करोड़ 92 लाख भारतीय रुपए थी। एंटी मैटर रिवर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज वाला एक पदार्थ है। एंटी इलेक्ट्रॉन जिन्हें पॉजिट्रॉन्स कहा जाता है ये भी एक तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं पर इनका चार्ज पॉजिटिव होता है। वर्तमान में एंटी मैटर को कहीं भी ले जाने के लिए एक खास टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। एंटी मैटर का इस्तेमाल रॉकेट और मेडिकल क्षेत्र में किया जा सकता है लेकिन यहाँ एक मुसीबत है कि इस एक मिलीग्राम पदार्थ को बनाने में $100 बिलियन का खर्च आता है। 405 फीट लंबी इस नाव को फ्रैंक मल्डर ने डिजाइन किया और बनाया है जिसे साल 2005 को एक अज्ञात शख्स ने $140 मिलियन यानी 1043 करोड़ रुपए में बेचा था। इस नाव को ईबे पर लिस्ट किया गया था जिससे यह आज तक ऑनलाइन बेची गई सबसे महंगी चीज बन गई है। इस नाव पर एक हेलीपैड, मेहमानों के लिए 8 कैबिन, सैलून, मूवी थिएटर, फिटनेस रूम, एक ऑफिस और 12 होटल रूम कमरों के साथ 12 बाथरूम भी हैं। जेनेवा में स्थित होटल प्रेसिडेंट विल्सन का पेंटहाउस स्वीट दुनिया का सबसे महंगा होटल स्वीट है जहां एक रात रुकने के लिए आपको $80,000 यानी 60 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं लेकिन यहां से दिखने वाला व्यू बड़ा ही आलीशान होता है। साथ ही इस जगह दुनिया के सबसे शानदार फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है जहां एक पियानो, पूल टेबल, लाइब्रेरी, जकूजी, टीवी स्क्रीन, फायरप्लेस, कॉन्फ्रेंस रूम और एक आलीशान डाइनिंग एरिया भी है। I don't know, it may be awkward for our some viewers, but really, दुनिया की सबसे महंगी वर्जिनिटी भी इस लिस्ट में शामिल है। 22 साल की नैताली ढिल्लो, जो सैन डिएगो से ग्रेजुएट है, उन्होंने अपनी वर्जिनिटी का ऑनलाइन ऑक्शन किया और आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि इनकी वर्जिनिटी की बोली $3.7 मिलियन तक पहुंच गई थी जिससे पता चलता है कि इंसान कितना बड़ा हफ्सी है और नवादा बनी रैंच ब्रोथल हाउस ने इस ट्रांजैक्शन को कंडक्ट किया था।
क्लोवर होल्डिंग एक कैरेबियन कंपनी है जिसे एक डोमेन नेम sax.com के लिए $13 मिलियन यानी 97 करोड़ की बोली लगाई गई थी। पर इस डोमेन के लिए कंपनी को कोर्ट के कई चक्कर लगाने पड़े थे क्योंकि इस डोमेन पर चल रही पिछली कंपनी दिवालिया हो गई थी, जिससे यहां कंपनी को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। और इस डोमेन के पिछले मालिक ने भी इसे $12 मिलियन यानी 89 करोड़ रुपए में खरीदा था। मैरीना बे सैंड्स बिल्डिंग दुनिया की सबसे महंगी इमारत है जिसकी कीमत $4.7 बिलियन यानी 35,114 करोड़ भारतीय रुपए है। सिंगापुर में स्थित यह बिल्डिंग 15.5 हेक्टेयर जमीन पर बनी है। इस बिल्डिंग में आलीशान होटल, कन्वेंशन, एग्जीबिशन, थिएटर, रिटेलर और रेस्टोरेंट जैसी सभी सुविधाएं मौजूद है। 2,561 कमरों वाला ये आलीशान होटल 305 मंजिला ऊंचा है और इस बिल्डिंग में सैंड स्काई पार्क चार चांद लगा देता है, जहां से लोगों को पूरा सिंगापुर दिखाई देता है। साथ ही यहां स्काई पार्क में रेस्टोरेंट, गार्डन, 150 मीटर ऊंचा पूल और दुनिया का सबसे बड़ा कैंटिलीवर भी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप 5 चैनल को।